रेलवे गेट बंद होने के कारण स्कूल बस रेलवे ट्रैक पर ही फंस गई और उस वक्त बस में मौजूद विद्यार्थी बचाव के लिए चिल्लाने लगे। उसके बाद क्या हुआ और यह रोंगटे खड़े करने वाली घटना किस परिसर में घटी, आइए देखते हैं। रेलवे फाटक अचानक बंद होने से एक स्कूल बस और एक कार भी ट्रैक पर फंस गई। छात्र बचाव के लिए चिल्लाने लगे। वहां मौजूद नागरिकों के साथ रेलवे इंजन चालक की समय की पाबंदी के कारण ट्रेन समय पर रुकने से छात्र बच गए। खापरखेड़ा में महानिर्मिति के औष्णिक विद्युत निर्मित प्रकल्प है। यहां बड़ी संख्या में स्थायी और ठेका अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है। अधिकारी कर्मचारियों के साथ उनके परिवार को रहने के लिए नजदीकी महानिर्मिति की ओर से वसाहत में यहां रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बच्चों को स्कूल में आवाजाही करने के लिए एक कंपनी को महानिर्मिति की ओर से स्कूल बस का ठेका दिया गया है। इसी बीच महानिर्मिति में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के 40 बच्चों को लेकर यह स्कूल बस रोजाना की तरह गुरुवार शाम करीब 4 बजे पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल से खापरखेड़ा के गाड़े इलाके की ओर जा रही थी। बस क्रमांक MH40BG7733 खापरखेड़ा रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी, तभी अचानक रेलवे फाटक बंद हो गया। इसी के चलते बस नागपुर छिंदवाड़ा रेलवे लाइन के माढ़ा में रेलवे ट्रैक पर फंस गई। बस के साथ एक प्राइवेट कार भी ट्रैक पर फंस गई। उसी समय ट्रैक से छिंदवाड़ा नागपुर पैसेंजर ट्रेन तेजी से खापरखेड़ा की ओर जा रही थी। तेजी से बस की ओर आ रही इस रेलगाड़ी को देखकर बस में सवार स्कूल छात्र छात्राओं सहित चालक और परिचालक भी घबरा गए। सभी बचाव के लिए चिल्लाने लगे। गेट के पास मौजूद एक समझदार नागरिक ने दौड़कर पास का लाल पत्थर रेलवे ट्रैक पर रख दिया। इसी दौरान ट्रेन के इंजन ड्राइवर को ट्रैक पर लाल पत्थर दिखे, इसीलिए उसने तुरंत ट्रेन के ब्रेक दबा दिए क्योंकि उसे कुछ संदेह हुआ। कुछ दूर जाकर ट्रेन रुक गई, कार रुकी, देख छात्रों समेत अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। तभी रेलवे फाटक पर तैनात रेलवे कर्मचारी ने साइड का एक गेट खोल दिया। इसके बाद ट्रैक पर फंसी स्कूल बस और कार को बाहर निकाला गया। इसके बाद रुकी हुई ट्रेन आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गई। इस बीच जब बस निकल रही थी तो उसमें सवार छात्र उपस्थित नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कह रहे थे कि हम बाल बाल बच गए।